इस 1990 की घटना के बाद अलग अलग हुक्मरान आए, जिनकी तरफ कश्मीरी पंडितों ने भी, और जो वहाँ पर वैली में वापस रह गए, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों या नॉन कश्मीरी हों, मुस्लिम हों, जो भी हों, उन सब ने अलग अलग निज़ामों से, हुक्मरानों से उम्मीद लगाई। अलग अलग किस्म के सेटलमेंट की बात हुई, किसी ने कॉलोनीज़ बसाई, किसी ने मुआवजा भत्ता दिया। उस पूरे प्रोसेस को 2020 तक आप कैसे देखते हैं? देखिए, दो कश्मीर मामले का जो है इस्तेमाल दोनों तरफ हुआ है जी। एक तरफ बहुत बोलकर भी और एक तरफ बहुत खामोश रहकर भी, तो दोनों तरह के राजनीति का इस्तेमाल हुआ है। ये जो हमारी कहानी का एक मिलिटराइजेशन भी हुआ है, ये मिलिटराइजेशन पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए हुआ है, इसे हम नकार नहीं सकते। लेकिन कागज़ पे जो चीज़ें हुई, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में जो चीज़ें आईं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वो चीरना फाड़ना आपने किया हो ना किया हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। ये सिर्फ बात आई गई आज सबके लिए। कश्मीर एक भावुक नारा है, लेकिन वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो जी बिल्कुल। आज की तारीख में भी चूंकि हम एक 100% लिटरेट कम्युनिटी है, और हमारी जनरेशन ने बहुत जद्दोजहद करके अपने आप को फिर स्थापित किया, जैसे मैं कहता हूँ वी आर स्प्रेड फ्रॉम जम्मू टू जोहान्सबर्ग। आज हमारे पास कोई होमलैंड नहीं, अपनी धरती नहीं है, लेकिन जहाँ भी हम अपनी छोटी मोटी धरती बना लेते हैं, अपने मंदिर बना लेते हैं। लेकिन एक जो ठोस वापसी है, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार करना कि ये लोग कैसे वापस जाएंगे, अच्छा चलिए उसको भी छोड़ देते हैं कि हम वापस जा पाएंगे या नहीं, किया एक सेंस ऑफ जस्टिस। 700 कश्मीरी पंडित मारे गए, एक भी केस में कन्विक्शन नहीं है। और आप बिट्टा कराटे जैसे लोग जिन्होंने नेशनल टीवी पे एक्सेप्ट किया है दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किलिंग ऑफ मोर देन 20 कश्मीरी पंडित, 47 द नंबर, 20 तो उसने उस इंटरव्यू में कन्फेस किया है, जो नंबर आता जी, है वो 47। 30 प्लस है, 30 प्लस उसका नंबर है, कम से कम 30 प्लस है। तो इतनी हत्याओं में उसने लिया, यासीन मलिक जैसे लोग हैं, तो ये लोग हैं। आप जब इतनी चीज़ों पे, इतनी इतिहास की चीज़ों में आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना लेते हैं, आप एक FIR चालू करना, एक इन्वेस्टिगेशन आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी बिट्टा कराटे जेल में है, लेकिन टेरर फंडिंग के केस में अभी हाल फिलहाल में जेल में हुए, लेकिन एक भी केस में हमको सेंस ऑफ जस्टिस नहीं मिला, नंबर एक। नंबर दूसरा कि हम जो घाटी में अपनी धरोहर पीछे छोड़ गए, हमारा जो कल्चरल हेरिटेज, वो सिर्फ कश्मीरियों का धरोहर नहीं है, वो पूरे भारत का धरोहर है, पूरी संस्कृति का हिस्सा है हमारे, तो उसका जो कल्चरल इफेसमेंट हमारा पीछे हुआ, अनंतनाग इस्लामाबाद हो गया, शंकराचार्य तख्ते सुलेमान हो गया, तो इस तरह की चीज़ें, गाँव के नाम शंकराचार्य मंदिर को तख्ते सुलेमान कहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हमारे जो मंदिर हैं उनके रख रखाव, जो हम पीछे छोड़ गए उनके रख रखाव, वो बिल्कुल ज़ीरो है। अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले एक 90s में एक बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है दुर्गा की, उसे हम टेंकपुरा काली कहते हैं, जो पुलवामा साउथ कश्मीर से उस वक्त चोरी हो गई, और अल्टीमेटली इट फाउंड इट्स वे टू स्मगलर इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वो स्टुगार्ट म्यूजियम जर्मनी चली गई, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उसकी कोई भनक नहीं लगी। एक कश्मीरी पंडित जो वहाँ रहते हैं, प्रवासी हैं अमेरिका के, उनको उस पर नज़र पड़ी, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई, और उस मुहिम के चलते जो पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी गए थे, तो एंजेला मर्केल ने बतौर भेंट उस मूर्ति को उन्हें वापस किया। तो इस तरह की धरोहर जो है, वो जो खो गए, जो विरासत थी हमारी, वो हमारी एब्सेंस में हर दिन खोती जा रही है। उस तरह भी सरकार ने, इस सरकार इंक्लूडेड, कोई गंभीरता नहीं दिखाई।